हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैंने परसों आपको बता दिया था, सॉरी कल आपको मैंने बता दिया था, ये आपको दिख रहा है यस्टरडे 3:14 के आसपास कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग रहना है तो इंपॉर्टेंट लेवल अगर होल्ड करते हैं तो आप इसमें लॉन्ग पोजिशन बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आपको दिख रहा है, गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी इफ क्लोजिंग्स If near closing it trades above 24660 and for the Nifty it will be 9980 means go long if near closing trades above 9980 in anticipation of bullish move tomorrow. So ये आ गया आज का दिन। तो टुडे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैंने 9:20 पे बता दिया था कि होल्ड योर लॉन्ग्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 9992 एंड अ मोर अग्रेसिव ट्रेडर्स 9980 विद द टारगेट ऑफ 10026 एंड 10053 फॉर बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स थे 24670 एंड 24720। तो अगर आपने देखा हो तो सारे टारगेट्स आज अचीव हो गए थे, हालांकि मार्केट काफ़ी धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा था लेकिन फाइनली हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए। तो IOC में भी मैंने कॉल दिया था कि भाई 390 का लेवल पहले आप एम कर सकते हैं, तो 390 भी अचीव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि 390 होल्ड करता है तो फर्दर उसमें जा सकता है 400 की तरफ। तो आज अगर आपने देखा हो तो IOC में 400 का टारगेट भी अचीव हो गया है। और फिर मैंने इसमें फर्दर बताया कि अगर 402 से ऊपर क्लोज करता है तो 420 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की भी इसमें मेरी सलाह रहेगी। फाइनली इसमें हमने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि आप अपने लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 24800 और निफ्टी 10050 से ऊपर क्लोज होता है, जो कि हुआ है, और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको बुलिश ओपनिंग या तो बुलिश मूव ओवरऑल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज अगर आपने देखा हो तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ खुला है, तो थोड़ी आपकी पेशेंस आज डेफिनेटली टेस्ट हुई होगी। लेकिन आप मेरा कल का वीडियो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में नीचे के चांसेस, नीचे तरफ जाने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे के लेवल पे मार्केट नहीं गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो प्रीवियस कैंडल था, ये वाला जो कैंडल है उसके मतलब जो इमिडिएट बुलिश कैंडल है उसके नियर लेवल के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे ब्रेक नहीं हुआ, वहाँ से प्राइस में रिजेक्शन देखने को चालू मिला और फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा। हालांकि मार्केट का काफ़ी स्लो पेस था लेकिन फाइनली जब उसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर दिया तो उसने मोमेंटम बना लिया था। हालांकि बहुत ही देर से आया, लेकिन मैंने आपको अर्ली मार्केट जैसे ही खुला था उसके थोड़े टाइम में बाद में ही बता दिया था कि आप अपने स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं और ऊपर के लेवल के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमें मिले हैं। दोस्तों, इसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास जब भी मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो नेक्स्ट डे बुलिश मूव बनता है, हालांकि नीचे की तरफ के लेवल में भी टेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी अगर चीज़ देखें तो कल की अगर हमने ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को देखा था तो बेयरिश पोजीशन लोगों ने ज़्यादा होल्ड नहीं करी थी, तो ये भी एक अच्छा खासा इंडिकेटर था कि मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो नेक्स्ट डे की ओपनिंग के लिए इतना बेयरिश नहीं है बेसिकली। तो ये सारे लेवल थे, प्लस आप देखें तो RSI के लेवल पे भी सपोर्ट मैंने आपको कल बताया था, तो RSI में सपोर्ट था, MACD में सपोर्ट था, तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने एक बुलिश मूव की तरफ एक्सपेक्टेशन बनाई थी जो आज मीट हुई है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से आगे का क्या मूव बन सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम इसमें बुलिश हैं, उसका क्या रीज़न है मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए सबसे पहले कि मार्केट ने आज ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी लेकिन अपना जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब भी बेयरिश क्रॉसओवर बनता है, मार्केट 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है तो मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों, अब हमारी स्ट्रेटेजी इसमें ये रहेगी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट अगर 10085 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो हम 10085 के लेवल को स्टॉप लॉस मान के ऊपर की तरफ के लेवल को एक्सपेक्ट करेंगे। हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 10130 तक का हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये रहा जो मैंने बात करी ये बुलिश मूव की बात। अगर मार्केट नीचे जाता है तो दोस्तों 9980 अगेन अपना इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। फर्दर आज जो मार्केट ने लो बनाया है 9987, तो 88 को भी मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक किया है, तो 9987 या तो उससे नीचे अगर आप देखें, आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेड हैं तो 9984 का लेवल आप पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9980 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखता है, मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आप डेफिनेटली अपनी बुलिश पोजीशन होल्ड कर सकते हैं या तो फर्दर बुलिश पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट टॉप लॉस ऑफ 9980।
मैकडी अगर देखें तो मैकडी में नीचे की तरफ से थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट मूव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ बुलिश क्रॉस ओवर बनने के चांसेस मुझे थोड़े बहुत लग रहे हैं। फर्दर आप देखें RSI का जो सपोर्ट हम टारगेट कर रहे थे वो होल्ड कर रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए हमने इसमें बुलिश पोजीशन बनाई है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं दोस्तों, तो 10,000 से लेकर 10,500 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनते दिख रही है। ऊपर की तरफ 500 पॉइंट और नीचे की तरफ फिलहाल कोई रिस्क नहीं दिख रहा। बात करें मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है, तो कॉल शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल देखने को मिल रही है, लेकिन तीन जगह पे बुलिश पोजीशन बनी है, फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। वो वाला जो लेवल है वो 10,300 और 10,350 का लेवल है, जहाँ पे फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। हालांकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना अग्रेसिव नहीं दिख रहा, लेकिन फ्रेश बुलिश पोजीशन ज़रूर बनी है, कॉल शॉर्ट कवरिंग हुई है और 10,000 पे भी बुलिश पोजीशन बनी है। अब इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि जब आप कॉल शॉर्ट करते हैं दोस्तों, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है मार्केट स्टेबल टू बेरिश रहेगा। तो अगर मार्केट स्टेबल रहता है या तो बेरिश रहता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो इसका मतलब मार्केट में हलचल ज़रूर रहेगी, क्योंकि अगर स्टेबल भी मार्केट रहता तो भी लोग अपने कॉल शॉर्ट्स कवर नहीं करते। और चूंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ बढ़ा है, 8 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्लोज भी करा है, तो डेफिनेटली हम इसमें ऊपर की तरफ के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो हमने पोजिशन इसी हिसाब से बनाई है। अगर हम बात करें पुट की, तो पुट में दोस्तों मुझे दिख रहा है कि पुट राइटिंग हुई है, जम के पुट राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन सेंटीमेंट्स वाइज देखें तो मैक्सिमम जहाँ पे पुट राइटिंग हुई है वो 10,150 का लेवल है, जो भी एक अच्छी बात है। अभी हमारे जो स्पॉट है उससे ऊपर के लेवल पे है, तो पुट में भी एक ऊपर की तरफ का इंक्लिनेशन अभी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। जैसे मैंने बताया निफ्टी में हम बुलिश में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ के मैंने आपको टारगेट बता दिया। अगर मार्केट उस लेवल पे चलता है, अगर इस लेवल पे 10,085 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए। फर्दर मार्केट ऊपर जाता है तो आप एक्सपेक्ट करें एटलीस्ट 10,110 का लेवल, यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपने एक ही मतलब मान लीजिए आपने ऑप्शन में पोजीशन बनाई है और अपने एक ही लॉट के साथ काम करें, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल रिस्क ना लें। थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता है आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, प्रॉफिट बुक कर लें, वेट करें। अगर मार्केट ब्रेक करता है फर्दर 10,085 को स्टॉप लॉस मान के ऊपर के तरफ के टारगेट को आप एम करें। तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है फटाफट से। जैसे मैंने आपको बताया हम बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन के साथ खड़े हैं, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या मूव बनता दिख रहा है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं दोस्तों, 24,400 से लेकर 25,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 200 पॉइंट्स और नीचे की तरफ 400 पॉइंट्स बनते दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये जो पॉइंट्स है उसमें क्या सजेशन मिल रहा है। तो दोस्तों कन्विंसिंगली यहाँ पे आज अगर आप देखें तो फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है कॉल्स में और पुट में पुट राइटिंग हुई है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एग्री कर रहे हैं हमारे जो लेवल्स हैं उसके साथ, और यहाँ से जो सपोर्ट है ये लगता है मुझे आगे होल्ड करेगा। तो अगर मैं कॉल की बात करूँ तो अच्छा खासा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो इतना देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो जम के पुट राइटिंग जहाँ पे मैं जिसको बोलता हूँ या जम के बुलिश पोजीशन बनी है कॉल में, उस लेवल की बात करें तो 24,500 24,600 एंड 24,700 जो कि सारे के सारे लेवल नीचे की तरफ है जो सपोर्ट दर्शाते हैं, तो यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर की तरफ के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है 25,000 पे भी फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है और 1,33,000 4,450 कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें नए ऐड होते दिख रहे हैं, तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर की तरफ में मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पुट की बात करूं तो दोस्तों पुट में पुट राइटिंग हुई है, जम के पुट राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन पुट राइटिंग ज़रूर हुई है। 24,400 का जो लेवल है यहाँ पे मैक्सिमम सेंटीमेंट्स वाइज मोर देन 200% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, जो सजेस्ट कर रहा है कि इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। हालांकि काफ़ी नीचे है ये लेवल तो हमें इतना इससे काम नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों मेरे रिपोर्ट्स को यूज़ करके काफ़ी लोग कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग भी करते हैं। हालांकि मैं आपको वॉर्न कर दूँ ये बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही इसमें आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की सोचें। 24,400 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते आते हैं पुट राइटिंग में कमी देखने को मिल रही है, जो दर्शाता है कि ऊपर की तरफ के लेवल में मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े कंफर्टेबल नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप चीज़ों को एनालाइज करके देखें तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज और कॉल और पुट की पोजीशन सजेस्ट कर रही है बुलिशनेस, लेकिन ऊपर की तरफ के रुझान में थोड़ी बहुत आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। वापस आते हैं, देखते हैं हमारी जो कैंडलस्टिक एनालिसिस है, मूविंग एवरेज और हमारा MACD और RSI हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों मैं आपको काफ़ी टाइम से जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैं आपको वार्न कर रहा था कि बैंक निफ्टी में बहुत ही हाई पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको एक डिप बनती दिखनी चाहिए, उस डिप में भी हमने पैसे बनाए। आज अगर मैंने
अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसमें मैंने आपको बुलिश पोजीशन बनाने के लिए बताया था, इसमें भी आज हमें अच्छा खासा मूव मिला है और हमारे जो भी टारगेट्स हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको भी हमने ट्रेल करके ऊपर की तरफ के गेन लिए हैं। लेकिन अगर आज आप यहाँ पे देखें तो मार्केट डेफिनेटली अपनी जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को तो क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन जो वाइड लाइन है जो 8 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी मार्केट क्लोज नहीं कर पाया है। तो ये सजेस्ट करता है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन चूंकि मार्केट 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ है और कॉल और पुट में अच्छी खासी पोजीशन बनी है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस और बेस्ट कॉम्बिनेशन है फ्रेश बुलिश पोजीशन सपोर्टेड बाय पुट राइटिंग, इसीलिए हमने इसमें रिस्क लिया है और ऊपर की तरफ के लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो 24,900 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर ट्रेड करता है इसको आप स्टॉप लॉस मान के ऊपर की तरफ के लेवल को एम कर सकते हैं। पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,105 और फाइनली उससे भी ऊपर मार्केट जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,170 के आसपास के लेवल। इसमें रिस्क मत लीजिएगा, अगर आपको ऊपर के लेवल पर रिजेक्शन मिलता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है जब भी मार्केट में बेरिश क्रॉसओवर बनता है और 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट हो जाती है तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। अगर मार्केट फाइनली 24,985 के लेवल से ऊपर ट्रेड करता है 24,985 को स्टॉप लॉस मान के आप ऊपर की तरफ के जो हमारा आपको टारगेट बताएं उसको आप एम करके चल सकते हैं। इन केस मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो इंपॉर्टेंट लेवल जो मार्केट के लिए रहेगा वो रहेगा 24,424। हालांकि मार्केट इतना नीचे आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर आता है तो 24,424 में अगर आपको नीचे के लेवल पर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और आप टारगेट बना सकते हैं एटलीस्ट 24,624 का। हालांकि अगर एकदम नीचे के लेवल पर बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट का वो रहेगा 24,520 के आसपास। मैकडी में आप देख सकते हैं कि मैकडी में एकदम ब्रेक हुई मैकडी आपको दिख रही है और फर्दर उसमें नीचे की तरफ थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है तो बुलिश पोजीशन बनने के चांसेस यहाँ पे मैकडी में बनते दिख रहे हैं। RSI अब थोड़े कंफर्टेबल लेवल पे है, 65 का लेवल है, ये इतना हायर नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रहा है। अब रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ है तो डेफिनेटली हमारी जो बुलिश पोजीशन है इसके सपोर्ट में चीज़ें बनती दिख रही हैं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको रिपोर्ट भी देता हूं, तो मेरा जो वीडियो है उसको आप रिपोर्ट के साथ देखेंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों मैं ये जो स्ट्रेटेजी बनाता हूं ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज़ करता हूं। आप अगर चाहें तो मेरे इस वीडियो में बताए गए लेवल्स को आप अपने रिस्क पे कंसिडर करके ट्रेडिंग ले सकते हैं। आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी रहेगी। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं तो मैं आपको टाइमली अलर्ट्स भी देता हूं इन केस हमारा जो ये प्रोविजनल एनालिसिस है उसमें कोई चेंज रहता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एज ऑलवेज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।